हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो गल करांगे जिहड़ी SBI दी क्लर्क दी पोस्ट आईयां वा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किद्दां करने आ। सारों नालों पहले मैं तुहानूं दसदा इहदे विच तुहाडी ग्रैजुएशन मंगी गई आ। सिर्फ ग्रैजुएशन चाहीदी है, किसी भी स्ट्रीम दे नाल तुहाडी ग्रैजुएशन कंप्लीट होनी चाहीदी आ, नाल 10th प्लस टू का सर्टिफिकेट नाल मंगिया उन्होंने। बट ये अपलोड नहीं होने है, इन्हां दी सिर्फ अपनों मार्क्स ही आपां इहदे विच मैनशन करने आ, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होने है। तो नाल इक अपना आधार कार्ड ते इक पासपोर्ट साइज फोटो एंड अपना डिकलेरेशन फॉर्म होंदा वा, वो मैं तुहानूं दसूंगा किद्दां उहनूं आपां फिल करना वा। ठीक है, चलो अज शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सारों नूं पहले एक तुहानूं मैं साइट दस दिंदा वा, फ्री जॉब अलर्ट है, तुसीं आ जाना वा। इस साइट पर तुसीं एक बार सर्च कर लेना वा फ्री जॉब अलर्ट, किसी भी ब्राउजर से अपन ओपन कर लाँगे। ओपन करन तो बाद तुसीं इत्थे देख सकते हो बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं, बट आपां कितें क्लिक नहीं करना है। जिद्दां पंजाब दीआं पोस्टां देखणियां तुसीं पंजाब ते क्लिक कर सकते हो, बट आपां इत्थे नीचे देख सकते हो SBI क्लर्क अपलाई ऑनलाइन दीआं पोस्टां, जे तुसीं इत्थे देख सकते हो फस्ट नंबर ते आ रहीआं वा। आपां इत्थे क्लिक कर देंगे, आफ्टर दैट आपां नीचे आवांगे। इत्थे लिखिआ एप्लीकेशन फीस, जिहड़ी एप्लीकेशन फीस 750 रुपया, इह सिर्फ जनरल कैटेगरी वास्ते आ, ते SC कैटेगरी वास्ते कोई भी फीस नहीं हैगी। इहदे च SC हो गए, ST हो गए, या PSW कोई फीस नहीं इन्हां वास्ते हैगी। लास्ट डेट इहदी अपलाई करन दी 27 सितंबर हैगी आ, तुसीं 27 सितंबर तक अपलाई कर। नीचे एज लिमिट आ गई आ, 20 साल तो लैके 28 साल तक इहनूं अपलाई कर सकदे आ। तो एज रिलैक्सेशन भी उतों लगती हैगी SC कैटेगरी वास्ते। तो नीचे तुसीं देख सकते हो इत्थे पोस्टां लिखियां वा, किन्नियां किन्नियां पोस्टां किहड़े किहड़े स्टेट दीआं तुसीं फिल करनियां वा। नीचे तुसीं देख सकते हो इत्थे नोटिफिकेशन, तुसीं नोटिफिकेशन नूं ओपन करके तो अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके चंगी तरह रीड कर सकते हो। तो मैं बस ही बाकी डिस्क्रिप्शन च भी इहनूं मैं एक बार सेंड कर दाँगा। तो तुसीं फॉर्म ते क्लिक करना वा, पहलां आपां रजिस्ट्रेशन करांगे क्योंकि आपां नवां अपलाई कर रहे हैं। सारों नूं पहलां तुसीं अपना इत्थे फस्ट नेम फिल करांगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे फस्ट नेम फिल कर देना है, और नीचे आपने कन्फर्म फस्ट नेम कर देना है, जो आपने नाम ऊपर डाला है सेम नाम कन्फर्म नीचे कर देना है आपने। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे मिडल नेम में अपना मिडल नेम डाल देना है तो डाल देना है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। और नीचे हम जहाँ पे देखेंगे लास्ट नेम में हम अपना लास्ट नेम डालेंगे, और फुल नेम जहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मोबाइल नंबर अपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और नीचे अपने कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे भी आपने मोबाइल नंबर अपना एक और डाल देना है। और जहाँ पे नीचे आप अपना अल्टरनेटिव नंबर भी डाल सकते हैं, है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। नीचे हम ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपने यहाँ पे अपना जैसे नाम हो गया, जैसे डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम जहाँ पर आपने फिल नहीं करना है वो आप सामने दिख रहे हैं लिखा हुआ है, डोमेन नेम जहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। आपकी जो मेल आईडी है, जीमेल आईडी है, जाहू मेल आईडी है, कौन सी जी आईडी आपकी है, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे कन्फर्म ईमेल आईडी में हम जहाँ पे अपनी पूरी मेल आईडी डालेंगे इसमें, जैसे कि @gmail.com हो गया, जैसे yahoomail.com कुछ भी हो गया, हम जहाँ पे पूरा डालेंगे। उसके बाद हमने एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, हमने सारा कुछ अच्छे से फिल किया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो अपलोड करनी है, और नीचे आपने देख सकते हैं अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपकी फ़ोटो का साइज कैसा होना चाहिए, उसकी कितनी KB में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। फ़ोटो है जो आपकी वो 50 से नीचे होनी चाहिए, और जो आपके सिग्नेचर हैं 10 KB से लेकर 20 KB तक होने चाहिए, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। जी आप एक बार सेट कर लेंगे फ़ोटोशॉप में जाकर, जहां आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर वो सेट कर सकते हैं। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं मैं इसको ना एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा एक साइट का, वहाँ पर आप जाकर
आप साइज दे सकते हैं फोटो का, कौन सा आपको साइज चाहिए वो वाली साइज वाली सेम फोटो आपको डाउनलोड हो जाएगी। चलो ठीक है, अभी हम एक बार इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कन्फर्म भी एक बार कर देना है, कन्फर्म पे टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जहाँ से देख सकते हैं सर्कल, आप कौन से सर्कल लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हम पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पंजाब सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी पंजाबी है और जहाँ पे हम पंजाबी सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू टेंथ प्लस टू स्टैंडर्ड मार्कशीट, हाँ इसको हम यस कर देंगे। और नीचे हम देख सकते हैं कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, एससी है, जनरल है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। सब कास्ट में हम अपनी सब कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, हम वाल्मीकि हैं कौन से हैं इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे नीचे देख सकते हैं डिसेबिलिटी का है, अगर आप हैंडीकैप हैं तो जहाँ पे आप जस कर सकते हैं और जहाँ नो कर सकते हैं इसको। आफ्टर दैट नीचे आ जाना है आपने। नीचे आने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मिनोरिटी कम्युनिटी, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप मिनोरिटी कम्युनिटी में आते हैं, अगर आप जहाँ पे तो जस करेंगे नहीं, हम नो कर देंगे। जैसे सिख हैं, सिख मिनोरिटी कम्युनिटी में आते हैं इसलिए हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नेशनलिटी सिटीजनशिप, यहाँ पे इंडियन है आपकी, इंडियन कर देना है। यहाँ पे आपने आरजू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी में आप हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ नीचे भी हम नो कर देंगे, इसको भी कुछ छेड़ना नहीं है। डिसेबल एक्स सर्विसमैन, इसको भी हम नो कर देंगे। यस किसी को भी नहीं करना है, एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए इसको सभी को। पीरियड ऑफ सर्विस में कुछ भी नहीं अपने छेड़ना है, अगर आप यस करेंगे तो जी ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा टिक करने के लिए, इसको भी हम नो कर देंगे। और नीचे हम देख सकते हैं इसको भी हम नो कर देंगे, क्योंकि आप पहले से किसी भी स्टेट बैंक में जॉब नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसको नो कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हैं इसको, वैसे तो ये सभी नो ही आएंगे, ये हमारे लिए नहीं है, सभी को आप नो कर देंगे इसको भी। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे नीचे, हम एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे पंजाब में हम देना चाहते हैं अपना एग्ज़ाम, इसीलिए हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट नीचे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ प्राइमरीली एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पंजाब में आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पे जलंधर हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे एक सेंटर और आ रहा है, यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करेंगे और नीचे हम जलंधर फिर सेलेक्ट कर लेंगे। और आफ्टर दैट नीचे हम जहाँ पे टिक करेंगे आईडी प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड डालेंगे। आधार कार्ड डालने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपने नीचे जहाँ पे देख सकते हैं आप काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन, यहाँ पे आप जहाँ पूछ रहा है भी आपका मीडियम कौन सा चाहिए आपको, इंग्लिश हिंदी चाहिए, इंग्लिश पंजाबी चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे पेपर के लिए आपको कौन सा मीडियम चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आप पर्सनल डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, इसका मतलब है अगर आपका कोई जुड़वा ब्रदर और सिस्टर है इसको हम यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए हम इसको नो कर देंगे। मैरियल स्टेटस मतलब कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो क्या हो, यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर देंगे। फादर नेम, फादर फर्स्ट नेम हम जहाँ पे डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम डालना है फादर का, पूरा नेम जहाँ पे नहीं डालना है, फर्स्ट नेम हो गया। और नीचे हम देखेंगे फर्स्ट फादर मिडिल नेम, जहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे, और नीचे आप फादर लास्ट नेम डालेंगे। वैसे ही हम सेम मदर फर्स्ट नेम हो गया, मदर मिडिल नेम हो गया, और लास्ट में मदर लास्ट नेम हो गया, सारा कुछ हम फिल कर लेंगे ऐसे ही।
नीचे आप देख सकते हैं स्पाउस नेम आ गया। अपर मैरिड हैं तो अपना स्पाउस का नेम डाल देंगे, नहीं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और नीचे आप कम्युनिकेशन एड्रेस देखेंगे, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस फिल कर देना है। जैसे एड्रेस वन में हम आप थोड़ा सा एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद हम नीचे भी एड्रेस लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कुछ क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक है। और यहाँ पे वैलिडेट यूजर डिटेल करेंगे और यहाँ पे कोई एरर बता रहा है। एरर में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है एरर में। ये रहा आज ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, यहाँ पे हम नो करेंगे, हम SBI में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए ये एरर आ गया था, और ओके कर देंगे। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट नीचे हम जहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन में हम पास डालेंगे, और डिग्री में हम जहाँ पे अगर पास नहीं की हुई है जहाँ पे अपीयर भी डाल सकते हैं और पास डालेंगे, और डिग्री में हम आपने क्या किया है वो डालेंगे, आर्ट्स की है कॉमर्स किया किया है। और नेम ऑफ कॉलेज जहाँ पे आप अपना कॉलेज का नेम भी डाल सकते हैं और अपना यूनिवर्सिटी का नेम भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपने कौन से साल में मंथ में डेट डालनी है जहाँ से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। और आगे हम जहाँ पे अपना परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पे आपने क्लास ग्रेड सेलेक्ट करना है। अगर आपकी पोजीशन 60% से ऊपर है नंबर है, अगर आपके नंबर 60% से ऊपर है तो आपने नीचे हमने अगर आपने काम किया है तो यस कर देना है, यस करके अपनी डिटेल सारी फिल कर देनी है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब किया है तभी इसको यस करना है, नहीं तो हम इसको नो ही कर देंगे। कोई भी प्राइवेट एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करना इसमें। अगर आप इसमें कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक दिन की ट्रेनिंग होती है उसको हम यस कर लेंगे, सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है एग्ज़ाम के लिए, यस कर सकते हैं नहीं तो हम इसको नो कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं इसको हम फिल कर लेंगे, पंजाबी इंग्लिश हिंदी जो जो भी आपको लैंग्वेज आती हैं वो सभी लैंग्वेज आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है, ओके कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट तुसीं इत्थे देख सकते हो अपने को लास्ट वाला फॉर्म आ गया वा। एक बार सबमिट करन तो पहला तुसीं इहनू चंगी तरह देख लोगे कित कोई मिसटेक तो नहीं हुई, क्योंकि एक बार सबमिट करन तो बाद इहनू एडिट नहीं कर सकते। एक बार कन्फर्म कर लो चंगी तरह भी कित कोई मिसटेक तो नहीं होगी। सारी चैकिंग करन तो बाद इहनू एग्री एंड नीचे वाले नू भी क्लिक कर लोगे, बट लास्ट वाले नू क्लिक नहीं करना, उस तो बाद आप सबमिट कर देंगे। आफ्टर दैट लेफ्ट थम इंप्रेशन यहाँ पे हम अपना लेफ्ट थंब का अंगूठा लगाएंगे, और नीचे हम हैंड रिटन डिक्लरेशन यहाँ पे आपको एक डिक्लरेशन होगा लिखना होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है उसका साइज आपको नहीं सेट आ रहा है, या हैंड रिटन का डिक्लरेशन फॉर्म का उसका भी साइज आपको सेट नहीं आ रहा है, जैसे कि पासपोर्ट साइज आपने फ़ोटो सेट करनी है उसका भी साइज आपको फिट नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा और आपकी फ़ोटो का साइज भी आपको पूरा फिक्स करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दोबारा सेंड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी डाल दूंगा व्हाट्सएप वाला। जैसे भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने कर लेने हैं, अपलोड करने के बाद आपको जहाँ पे फ़ीस की ऑप्शन आएगी, फ़ीस अगर आप ऐसी कैटेगरी में इसको सबमिट करेंगे तो कोई फ़ीस नहीं है, ओनली इसका फॉर्म निकलेगा, और उस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना है जहाँ आपने सेव करके रख लेना है, और जो एडमिट कार्ड है वो आपका मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। मेल आईडी पे आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो आप स्पेशली वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफे में जाके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हमारी इतनी सी वीडियो सी आज की, क्योंकि हम इसके आगे नहीं वीडियो बना सकते क्योंकि वैसे ही वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। इसका इससे आगे का प्रोसेस बहुत ही सौखा है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप ये फॉर्म हमारे से भरवाना चाहते हैं स्पेशली, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से
आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए और ऐसी ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक ज़रूर करिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।